सज्जनों और देवियों, सुख से कैसे रहें? सद्गुरु कबीर ने सब सुख और सब दुख ये दोनों के विषय में बीजक में कहा है, करह विचार जो सब दुख जाई, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। सब सुख और सब दुख क्या है? सब दुख है मन का उद्वेग चिंता, और सब सुख है मन की शांति। सब सुख हो, दुख बिल्कुल ना हो, ऐसी स्थिति कैसे आएगी? ये विचार करने की आवश्यकता है। हम प्राणियों से जुड़े हैं और पदार्थों से जुड़े हैं और अपने माने गए शरीर से जुड़े हैं, और ये सब के सब कणों के जोड़ हैं। शरीर कणों का जोड़ है, साथियों के शरीर भी कणों के जोड़ हैं, और पदार्थ जितने हैं जैसे मकान, मशीन, कपड़े लत्ते, बर्तन, जो कुछ भी दिखाई देता है सब कणों के जोड़ हैं। इनमें परिवर्तन होना पक्का है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इनके परिवर्तन को रोक सके। जो जन्मा है मरेगा, शरीर संगठित हुआ है विघटित होगा, जो निर्मित हुआ है वो ढहेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा। इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता है, और इसमें हमारा मन व्याकुल हो जाता है। प्रिय के वियोग में हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि प्रिय मान लेते हैं और प्रिय कुछ नहीं है। प्री तो अंतरात्मा है, प्रिय ही नहीं है, प्रियतम है। अंतरात्मा प्रियतम है, और उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। पत्नी के लिए पत्नी को पति चाहता है? झूठ बात है। पत्नी को पत्नी के लिए पति नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है, और पत्नी पति को पति के लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है। देवता को देवता के लिए कोई नहीं चाहता है, देवता को अपने लिए चाहा जाता है। भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है। गुरु को गुरु के लिए नहीं चाहा जाता है, अपने लिए चाहा जाता है। अपने लिए हम सब कुछ चाहते हैं, इसलिए अपने को पहचानो। कोई कोई भावुक व्यक्ति बहुत अनुराग से जब अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर तुम न रहो तो मैं जान दे दूंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूं, मेरी जान तुम्हारी जान में जीती है, इतना भावुक होकर के आदमी कहता है, और पत्नी असाध्य बीमारी में आगे हो जाए और डॉक्टर ने कह दिया हो कि ये खुद उठ बैठ नहीं सकती है, जीवन भर इसको उठाना बैठाना पड़ेगा, शौच स्नान भोजन कराना पड़ेगा, ये न अपना हाथ उठा सकती है न पैर उठा सकती है। तो वही नौजवान जो कहता था तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, वही सोचेगा भगवान इसको बुला ले। और यही बात पति के लिए है, पति का ऐसा हो जाए तो पत्नी भी चाहेगी कि नाहक में अपना दुखी रहेगा, सबको दुखी करेगा, चला जाए अच्छा। ऐसे कोई भी हो, एक की बात नहीं है, किसके लिए कौन किसको चाहता है, सब अपने लिए चाहते हैं। और इसके लिए बढ़िया उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद में आता है, बड़ा चुटीला। याज्ञवल्क एक विद्वान थे, वैदिक विद्वान, कर्मकांडी।
उनसे संबंधित शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का कर्मकांड का ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का वो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, और वो याज्ञवल्क से जुड़ा है। उसी के आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें बात आती है उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्री एक कात्यायनी। मैत्री समझदार थी, कात्यायनी स्थूल बुद्धि की थी। याज्ञवल्क जीवन भर यज्ञ याग कराते रहे, बड़े बड़े धनवान हो यहाँ, तो खूब उनको धन मिलता था, तो धन बहुत था। और उम्र 60-70 हो गई होगी। उन्होंने सन्यास लेने की इच्छा प्रकट की और कहा, आओ तुम दोनों को मैं धन बांट दूं। उनके कोई बच्चा था इसका पता नहीं। तो दोनों को उन्होंने धन बांट दिया। तो कात्यायनी तो चुप रही। मैत्री ने कहा कि भगवान, ये धन लेकर के मैं क्या करूंगी। उन्होंने कहा, धनी लोग जैसे सुविधा से जीते हैं वैसे सुविधा से जियोगी। तो भे भगवान, ये सब छोड़ करके आप जा रहे हैं, वो किस लिए है उसको बताइए। तब याज्ञवल्क ने कहा, मैत्री, पत्नी के लिए पत्नियों को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता, आत्मा नाम खुद। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, आत्मा के लिए अपने लिए चाहती। पुत्र के लिए धन के लिए धन को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए धन को चाहा जाता है। देव के लिए ब्रह्म के लिए देव और ब्रह्म को कोई नहीं चाहता, अपने आत्मा के लिए चाहता। इसलिए आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। ऐ मैत्री, आत्मा को समझो, मनन करो, चिंतन करो। आत्मा प्रियतम है। जो कोई पुत्र से मोह करता है तो अपने प्रियतम आत्मा से मिलने में वो पर्दा करता है, और जो कहीं भी मोह करता है दुनिया में तो अपने प्रियतम आत्मा से मिलने में वो पर्दा करता है। इसलिए अपने प्रियतम आत्मा से मिलो। ये बात बहुत बढ़िया रूप में कहा गया है उपनिषद सौरभ में, सब का विवरण मैंने दिया है। कोई किसी को नहीं चाहता, अपने सुख को सब चाहते हैं, तो अपना सुख कहाँ मिलेगा। स्त्री खोजती है पुरुष में कि पुरुष में मिलेगा, और पुरुष के शरीर में सुख होता तो अपना सुख लेकर के वो सुखी रहता, अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता। लेकिन पुरुष स्त्री के शरीर में सुख खोजता है, और स्त्री के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर वो सुखी रहती। दोनों को भ्रम है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है, और न कहीं दुनिया में सुख है। सुख है अंतरात्मा में, मोक्ष परम सुख है। मोक्ष मोह का क्षय है। जब अपना मन चारों तरफ से लौट करके आत्मलीन हो जाता है तो ये परम सुख है। आत्मलीनता परम सुख है, स्वरूप लीनता परम सुख है। जब मन दुनिया को नहीं सोचता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तब परम सुख है। लेकिन ये तो बहुत ऊंची बात है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए। उसी के लिए है ये भक्ति और साधना मार्ग। इसमें लगो, पहले समझो, सच्चाई को समझो कि आपका कौन और क्या होगा। दुनिया की स्थिति देखते हुए सब समझ सकते हैं कि देह अपनी नहीं रहेगी, और देह नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, ये साफ जाहिर है। देह जब नहीं रहेगी तो मकान मेरा रहेगा मेरे साथ, और जमीन रहेगी, और पद रहेगा, और बैंक का खाता रहेगा, और समधि लम्धि सब रहेंगे। जहाँ शरीर गया संसार गया, इस समझने में कोई गूढ़ नहीं। माताएं भी समझ सकती हैं, ये सज्जन भी समझ सकते हैं, मरते लोगों को देखते हैं,
अभी एक महिला अमली डीह में एक सप्ताह पूर्व बर्तन मांज रही थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 50-52 की थी, बर्तन मांज रही थी, बस लुढ़क गई। उसका पति सोचा कि बहुत देर हो गई, कब तक बर्तन मांजेगी, आए देख करके लौट गए कि नहीं दिखाई देती है, वो ध्यान से देखे ही नहीं, और क्या समझें कि वो गिरी पड़ी है, ऊपर से देखे फिर लौट गए, फिर दोबारा आए फिर ऐसे देख के लौट गए, तब तिबारा आए तो उन्होंने जमीन में नजर गड़ाई तो पड़ी है। ये दशा है शरीर की, स्वस्थ शरीर और बस एक सेकंड में समाप्त। अब ना उसका घर है ना परिवार है, उसके साथ कुछ नहीं। दूसरे सज्जन कल और परसों के बीच की रात में, आज की जो रात बीती है उसके पहले की रात में शरीर छोड़ दिए, कल सुबह उनका दाह हुआ, अब उनका कुछ नहीं है। ये सब के पीछे है और अपना यहाँ कुछ नहीं है, एक व्यवहार है, उस व्यवहार को विवेक से करो। जात को जाना उत घरा, सो क्यों जोरे मित, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित। ये साहेब की साकी, जिसको उस घर में जाना है वो यहाँ मिताई क्यों करे। जैसे परघर में पहुना रहता है तो अपना चित उठाए रखता है, पहुना जाता है तो कहता भाई अब जाने दो, घर वाला कहता नहीं बहुत दिन पर आए हो, दो दिन रहना पड़ेगा, नहीं भाई दो दिन तो नहीं रह पाऊंगा। एक दिन रह गया कहता आप जाने दो, क्योंकि अपने घर का कामकाज देखना है। इसी प्रकार जो अपने घर में रहना चाहता हो यहां मिताई क्यों जोड़े, लेकिन अपने घर का पता ही नहीं है, ये तो यहां पर घर बना लिए हैं, पसौद में बना दिए हैं, हल्दी में बना दिए हैं, इलाहाबाद में बना दिए हैं, पसौद तो एक लाक्षणिक हुआ, घर बना लिए हैं, बस निश्चिंत हो गए हैं, अब घर में हैं। मुझे याद आई मैं इलाहाबाद में था, कई वर्ष पूर्व की घटना है, तो इलाहाबाद शहर में एक सज्जन ने कहा शायद 3 दिन का हमें कार्यक्रम दीजिए शाम शाम। हमने कहा ठीक है। तो प्रतिदिन भिन्न लोग गाड़ी लेके आते थे, कहते थे हमें भी सेवा करने को अवसर मिले, आश्रम से चला जाता था, संत भी साथ में जाते थे। एक सज्जन गाड़ी लेके आए, मैं बैठा, तो चलते समय ड्राइव करते हुए कहे महाराज जी अच्छा हुआ कि आपका एक अस्थाई आश्रम यहाँ हो गया। मैंने कहा मेरा अस्थाई आश्रम यहाँ कहाँ है, ये अस्थाई आश्रम नहीं है, मेरा अस्थाई आश्रम कहीं और है। तो समझ नहीं पाए, तो मैंने समझाया ये अस्थाई आश्रम नहीं है, क्षणिक आश्रम है, एक मुसाफिर खाना है। अस्थाई आश्रम मेरी आत्मा स्थित है, आत्मलीनता है, अपना मंदिर अपने अंदर है, लेकिन ये सब समझ नहीं पाएंगे, तत्काल नहीं समझ पाएंगे। ये वो धीरे धीरे समझता है जिसका मन संकल्प रहित होने लगता है, जिसका मन निर्विकल्प होने लगता है, जो कुछ नहीं सोचने की स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो इस चीज को समझ पाता है। लेकिन मोटा मोटी ये तो सब समझ सकते हैं कि जब मन में संतोष होता है तब सच्चा सुख होता है, और संतोष कब होगा, जब जीवन को मांजा जाएगा और जीवन में मिली हुई वस्तुओं के प्रति जो चिंता है उसको छोड़ा जाएगा। चिंता करने से बूढ़ा शरीर जवान तो नहीं होगा, चिंता करने से गया हुआ आदमी लौट नहीं सकता है। इसी छत्तीसगढ़ की महिला का एक पति मर गया, जब मैं आया, आई मिली, बहुत समझदार है, बहुत अध्ययनशील है, प्रौढ़ है, उसके बाल बच्चे सब हैं, बच्चे के बच्चे हैं। मैंने कुशल मंगल पूछा, उसके पति का जब कुशल पूछा तो भावुक हो गई। मैंने कहा भावुक मत हो, अगर रोने से वो लौट आए तो मैं भी रोऊंगा, और अगर लौटने वाले नहीं है तो तुम भी न रो, मैं भी न रो, तो मुस्करा दे।
ज्ञान से दुख दूर होता, अज्ञान से दुख बढ़ता है। किसी का बच्चा मर गया तो ये देवियां जाती हैं मिलने और समझाती हैं और रुलाती हैं, कहेंगी बहनी कोई किसी खाए नहीं, दुनिया झूठ है, रो। लेकिन क्या कहें, उस लड़के की आंखें तो जैसे कटोरा रहा, बस फिर रोना शुरू। तब कहेंगी बहनी रो मत। अरे रो करके क्या करोगी, दुनिया झूठ है। लेकिन वो बच्चवा बोलता था टाएं टाएं, बस फिर रोना शुरू। तो एक तरफ समझाएंगी, एक तरफ रुलाएंगी। गड़बड़ मास्टर सब। गड़बड़ मास्टर मत बनो। मरा हुआ व्यक्ति रोने से लौटता नहीं, और रो रो करके चिंता कर करके अपनी शक्ति छीण होती है। तो जो अवशेष लोग हैं उनकी सेवा नहीं होती है और अपना जीवन खराब होता है। ऐसे लोग भी हैं जो पुत्र के मरने पर भी नहीं रोए, ऐसे वीर लोग हैं। और ऐसी माताएं हैं, धन्य है वो माताएं, विवेक है, समझती हैं कि छाती कूटने से तो कुछ होगा नहीं। बदलने वाली चीजों के प्रति विवेक रखो। दुख की चोट यहां से बहुत ज्यादा आती है, ध्यान दो। गत वर्ष में 30 गाड़ा धान हुआ था, इस वर्ष 25 हुआ, तो इसमें रोने से कुछ नहीं होगा। जब 30 गाड़ा हुआ था तो आप 2-2 किलो का चावल नहीं खाते थे, अब 25 हुआ है तो अब भूखों नहीं मरेंगे। एक गाड़ा भी ना हो तो भी खाने मिलेगा, रास्ता निकल आएगा। पक्षी के पास क्या है, और सुबह चहचहाने लगते हैं, ना उनके बिस्तर है, ना घर है, ना मकान है, ना कपड़े हैं, ना गद्दा है, ना तकिया, पतली सी टहनी पकड़ के बैठे हैं, रात भर उसमें सोते हैं। हम लोग तो सोचेंगे सोते कैसे हैं, और हाथ से छूट क्यों नहीं जाता पैर से, उनकी इसी मजबूती होती है। छिपकली छत में उल्टे चिपकी रहती हैं और उसमें घंटों चिपकी रहती हैं। हम लोग जब ठंडी में रजाई गद्दे के बीच में रहते हैं तब मछली मेढक कछुआ पानी में रहते हैं। सबकी अपनी प्रकृति है। कुत्ते आवारा कुत्ते क्या पाते हैं, सड़क में धूल में पड़े हैं और आंख मुदे सोते हैं, आपको मानो लज्जित करते हैं। आप मकान में हो, गद्दे में हो और चिंता कर रहे हो, और कुत्ता बाहर पड़ा है और धूल में सो रहा है। आदमी जितना दुखी है कोई नहीं दुखी है। अब क्यों दुखी है, ये समझदार ज्यादा है और अपनी समझदारी को उसने उल्टे पथ में लगा दिया है। वो समझदारी आत्मज्ञान में लगाए, आत्म सुधार में लगाए तो बहुत जल्दी वो मुक्त हो जाए। शक्ति है आपके पास, तेज कार है, और यहां से आप दुर्ग जाना चाहते हैं और दक्षिण तरफ निकल गए, बस्तर तक निकल गए, और तेज गाड़ी खूब निकलते गए तो दुर्ग नहीं पहुंचेंगे। तेज गाड़ी होने से कहीं दुर्ग पहुंचेंगे, दिशा सही हो, न तेज गाड़ी हो पैदल चले, धीरे धीरे चले, दिशा सही है तो पहुंच जाएंगे, और दिशा सही नहीं है तो कितने तेज हो नहीं पहुंचेंगे। मनुष्य की बुद्धि तेज है लेकिन वो उल्टा चलता है, सब काम में उल्टा। दाल भात आप खाते हो ये तो समझ में आता है, हम भी खाते हैं, तम्बाकू क्यों खाते हैं, थरिया भर दाल भात खा लिए तो उठे तो एक चुटकी तम्बाकू मुंह में दाब लिए, कौन सी समझदारी, इतनी गंदी चीज, इतनी जहरीली चीज क्यों खाते हो, गुटखा क्यों खाते हो, गुड़ाखू क्यों भेजते हो, और मंजना है, ये देवियां भी गुड़ाखू शुरू कर दी हैं। देवियों से निवेदन है कि गुड़ाखू कोई ना ले, ये देवताओं को लेने दें, ये देवता लोगों को तो ठिकाना नहीं, कोई बीड़ी पिएंगे, कोई बोतल भी पिएंगे, कोई काव करेंगे पता नहीं। देवियां पवित्र रहें, देवियों को धन्यवाद है वह नशा का सेवन नहीं करती हैं। जब से गुड़ाखू आया है तब से इनमें ये दोष किसी किसी में आया है।
कौन समझदारी है बीड़ी पीना और सिगरेट पीना और तम्बाकू खाना, गुड़ाकू घिसना, गुटखा खाना, पान खाना। पान शब्द बड़ा पवित्र है, देवता को चढ़ता है। देवता को तो मांस भी चढ़ता है, बकरा मुर्गा चढ़ता है, घोड़ा गाय चढ़ती है। भगवान का नाम लेकर के करोड़ों करोड़ों जानवर त्योहारों में काट दिए जाते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे मत हैं। तो भगवान को तो सब भुनाते रहते हैं और देवता को भुनाते रहते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का निर्माता मनुष्य है। मनुष्य जैसे है वैसे उसका देवता है। मनुष्य मांसाहारी तो उसका देवता भी मांसाहारी है। अगर मनुष्य सूअर भी खा लेता है तो उसका देवता भी सूअर खाता है, और मनुष्य सूअर नहीं खाता है तो उसका देवता सूअर नहीं खाए, गाय भले खा ले, लेकिन शराब नहीं पीता है। और मनुष्य शराब पीता है तो उसका देवता शराब भी पीता है। और जो स्वयं शाकाहारी है तो उसका देवता मांस शराब कुछ नहीं लेता है, वो मिष्ठान लेता है, मेवा लेता है, फल लेता है। गांजा भांग मांस खाने वाले देवता वाले जो कहते हमारा भगवान बकरा मुर्गा चाहता है, लेकिन वो भक्त लोग गांजा भांग अगर नहीं पीते हैं तो अपने देवता को गांजा भांग नहीं चढ़ाते। जो गजड़ी भंगेड़ी हैं तो अपने देवता को गजड़ी भंगड़ी बना लेते हैं। शिव जी क्या गजड़ी थे भंगेड़ी थे? दतुरा खाते थे। शिव का अर्थ ही मंगलमय जो हो, लेकिन शिव के रूप को लोगों ने बिगाड़ डाला, धतूरा चढ़ाकर, गांजा चढ़ाकर, भांग चढ़ाकर। तो आदमी जैसे होता अपना देवता वैसे बना लेता है, ये अपना बनाए दुर्भाग्य। खाने की चीजों में गलती है, पीने की चीजों में गलती है, व्यवहार में गलती है, आपस में हो। हर जगह संबंध दो व्यक्तियों से शुरू होता है, फिर तीन चार हजारों लाखों, दो व्यक्तियों से संबंध शुरू होता है, और संबंध बिना कोई नहीं रह पाता है। सबको संबंध लेना पड़ता है, परम विरक्त संत को भी संबंध लेना पड़ता है। और संबंध में ऊंच नीच ना हो या संभव है। सबका स्वभाव अलग, सबका विचार अलग, सबके संस्कार अलग, सबके गुण कर्म अलग। ऐसे गुण दोष में संसार में सहन गति न रखोगे तो कैसे कहाँ सुख होगा। पत्नी पत्नी है लेकिन जो उसका मन होगा बोल देगी। लड़का आपका जन्माया है, आपने पढ़ाया लिखाया है, आपने बड़ा किया है, बड़ा तो स्वाभाविक हुआ है, लेकिन आपने उसके साथ सहयोग काफी किया है, लेकिन उसके विचार में जब आएगा जो कुछ कह देगा, उसको लेकर के दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। कहीं भी है संबंध में मनुष्यों की बात को सह लेना निर्विकार भाव से, और अपना सावधान रहना, ऐसा न कहना जो दूसरों को दुखदाई हो। बहुत जरूरी बात है सुख से रहने का तरीका। घट घट में वही साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे तो को साई मिलेंगे। घूंघट का पट खोल दो तब तुम्हारा स्वामी तुम्हें मिलेगा। घूंघट अविद्या है, अविद्या हटा दो, आत्मा रूपी परमात्मा तो विद्यमान है। ऐ मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, तू परमात्मा पद के लिए व्याकुल है तो मोह को मिटा दे। परमात्मा तो आत्मा है, अंदर बैठा है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वही साई बसता है, इसलिए कट वचन न बोलो। ये बात जब मनन चिंतन किया जाएगा तब मन में जमेगा, एक बार सुन लेने से नहीं होगा। रोज अकेले में बैठ करके इसका अभ्यास करो कि हम कट वचन नहीं बोलेंगे, किसी का कट सुन करके दुखी नहीं होंगे, निर्विकार भाव से सह लेंगे। ये साधना है, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष सबके लिए वही बात है। जब भोजन होने को होता है तो गृहस्थ लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई साधु तो दाल भात खाएं, हम पैरा खाएंगे।
दाल भात साधु भी खाते हैं, दाल भात गृहस्थ भी खाते हैं, तो दोनों का कल्याण रास्ता एक है। कोई शॉर्टकट रास्ता भक्तों के लिए नहीं है, दोनों को रास्ता वही है। जितना सहनशील होंगे उतना सुखी होंगे। साथियों की बातों को सह लेना निर्विकार भाव से, और अपना सावधान रहना, किसी को तकलीफ लगने वाली बात न कहना। एक बात पर सावधानी रखी जाए, अभ्यास किया जाए, देखो जीवन में कितना अंतर आएगा। और इसी को लेकर के घर घर में कलह है। घर में लोग इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे से मीठा वचन नहीं बोलेंगे। कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसको चढ़ बैठेंगे, कट कहेंगे। भोजन करने का समय होगा तो एक भोजन करेगा, एक बाहर बैठा रहेगा। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की उदारता नहीं। कल क्या काम करना है कोई विचार नहीं, जिनके मन में आया जो किया, तो इसमें तकलीफ के सिवा और क्या होगी। अपने अहंकार को मारे बिना कितनी देवरान जठान है आपस में बात नहीं करती, कितनी सास बहुएं हैं आपस में बात नहीं करती, कितने पिता पुत्र हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया कि मेरा लड़का मुझे जब कुछ बताना होता है तो कागज पर लिख करके मेरी मेज पर पत्थर से दबा के मेरी अनुपस्थित में चला जाता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। और मुझे भी जब कुछ बताना होता तो मैं भी उसकी मेज पर उसकी अनुपस्थिति में कागज लिख के रख देता हूँ। आपस में संवाद जहाँ नहीं है वहाँ सुख कहाँ है। आपस में संवाद होना चाहिए, बातचीत। पति पत्नी आपस में प्रेम से बात करें, पिता पुत्र प्रेम से बात करें, सास बहू आपस में हंस के प्रेम से बात करें, देवरान जेठान ननद भावज आपस में प्रेम से बात करें। और प्रेम तब होगा जब स्वार्थ की कुंडी टूटेगी। मिथ्या स्वार्थ को लेकर के कला है। असली स्वार्थ में कला नहीं है, असली स्वार्थ निंदनीय नहीं है। जैसे भोजन है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी के घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग भोजन पाते हैं और 2 लोगों को भोजन नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 8 लोग घर में हैं और 2 को निकाल करके सड़क पर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। असली स्वार्थ है भोजन वस्त्र आवास, और ये सबको मिलता है। नकली स्वार्थ को लेके कला है। मलिकई, हम मालिक हो, पैसा हमारे पास रहे, सुविधा ज्यादा हमारे बच्चों को मिले, भाई के बच्चों को मिले चाहे ना मिले, ये मिथ्या स्वार्थ में कला है। मिठाई, नैहर से मिठाई आई तो कितनी देवियां बड़ी चालाक होती हैं, झट से उसमें से ज्यादा अंश निकाल करके प्राइवेट कर लेती हैं, तब घर में प्रस्तुत करती हैं। ये मिथ्या स्वार्थ। मिठाई आपका बच्चा ज्यादा खाए तो उसको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, लेकिन वो मिठाई के लिए चालाकी कर ली, अपने पति की थाली में घी डाल दी, देवर जेठ के थाली में, ससुर के थाली में नहीं डाली। और घी तनी भर पड़ जाएगा तो क्या उस आपका पति मोटा करके हाथी हो जाएगा। लेकिन ये मानसिक विकार, ये बात तो समझ में आएगी धीरे धीरे, और कलह बढ़ेगा। मिथ्या स्वार्थ को लेके लड़ाइयां हैं, असली स्वार्थ में कोई लड़ाई नहीं। कौरव पांडव, कौरव तो राजा ही थे, पांडव को कोई भुखमरी नहीं थी, राजा थे, ऐसे जीवन कट जाता। मिथ्या स्वार्थ को लेके आपस में लड़के कट के मर गए। श्री राम और भरत इससे ऊंचे थे। श्री राम ने कहा भाई को राज मिले कोई जरूरत नहीं, हम जंगल जाएंगे। भरत आए कहे मुझे राज नहीं चाहिए, बड़े भाई का राज है। दोनों ने ठुकरा दिया तो बढ़िया काम हुआ। गद्दी पर बैठना मुख्य स्वार्थ नहीं है, मुख्य स्वार्थ है भोजन कपड़े आवास। उसकी आवश्यकता है और उसको सब देते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है और पीटा जाता है
और जेल में रखा जाता है, हौलाद में थानेदार पहले अपने यहाँ रखता है, तो पानी देता है उसको, भोजन ला करके होटल से मंगवा देता है चपरासी से, लाओ इसको भोजन करा दो। भोजन वस्त्र हर जगह मिलता है। आप कल्पना करो कि आपके घर वाले आपका सब कुछ छीन लें, कपड़े भी छीन लें, अब आपको खदेड़ दें, अब आप पूरब तरफ चलें या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण किसी तरफ चलें और नंगे चलें, तो कुछ दूर में लोग आपको जानना चाहेंगे भाई नंगा क्यों है। अगर पागल है तब तो ध्यान नहीं देंगे, पागल आप नहीं हैं तो लोग पूछेंगे क्यों नंगे, तुरंत आपको कपड़े देंगे और पूछेंगे भूखे तो नहीं हो, भोजन देंगे। अगर रात हो गई तो कहेंगे यहाँ सो जाओ। फिर आप चलते रहें जीवन भर, जहाँ जाएं भोजन मिलेगा, कपड़े फट गए हैं तो कपड़े लोग दे देंगे और सोने की जगह दे देंगे। घर में आप हो क्यों चिंता करते हो, भोजन कपड़े नहीं मिलेंगे। मिथ्या स्वार्थ को लेके कला है। मलकई महंती गुरुवाई लेकर के जब साधु लोग कला कर लेते हैं, जो घर छोड़े हैं कल्याण के लिए, उनमें भी ऐसे साधु होते हैं जो गुरुवाई और महंती के लिए कला कर लेते हैं, विवेकवान संतों से फर्क कर लेते हैं। और बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं तीर्थों में तो ऐसी ऐसी क्रियाएं हो जाती कि हद, सब ऐसे नहीं हैं। भिन्न मतों में भी अच्छे संत हैं, वैरागियों में, सन्यासियों में, जैनियों में, बौद्धों में, कबीरपंथियों में, सब में अच्छे संत हैं, जो चाहते ही नहीं, सब ठुकरा देते हैं। लेकिन ऐसे भी तुच्छ बुद्ध के हैं जो गुरुगद्दी के लिए, महंती के लिए सारी चालाकी करते हैं, तो अपना नरक करते हैं, वो वेश भले धरे रहे हैं, गुरु बने घूमे क्या होता है। मिथ्या स्वार्थ को लेके हर जगह तकलीफ है। इन बातों पर ध्यान दो, परस्पर में परस्पर मिल बैठ करके बात करो और बांट करके खाओ, प्रसन्न रहो, एक दूसरे से हंसमुख रहो। अपना बच्चा पराया बच्चा, अपना बच्चा है भाई का बच्चा है, एक संयुक्त परिवार है, पूरी जिम्मेदारी सब पर है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। किसी की खोटी बात सुन करके सालो, वो स्वयं विचारेगा, नहीं विचारता है बराबर कहता है तो समझाना चाहिए, समझ पावे तो, लेकिन स्वयं खोटी बात न कहो। अगर हमें किसी ने गाली दी है तो हमें तकलीफ की क्या बात है, गाली देने वाले को तकलीफ हुई है क्योंकि उसका मन खराब हुआ है और उसने अपना नुकसान किया है, मेरा नुकसान नहीं है। अगर मैं दुखी हो गया तो मेरा नुकसान हो गया, और मैं दुखी हुआ तो मेरा अहंकार है, मेरा अविवेक है। दुनिया में तो प्रतिकूलता आती रहेगी और प्रतिकूलता के नाते हम दुखी होते रहेंगे तो कभी हमारा उद्धार नहीं होगा। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, चाहे जितनी गाली हमें दें लोग हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। सबसे राय लेकर के हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारे विषय में कोई क्या सोचता है इससे हमारी मुक्ति होगी या बंधन होगा। बड़े बड़े संतों को भी बंधन ग्रस्त लोग समझे हैं, जीवन मुक्त पुरुषों की लोगों ने निंदा की है, और निंदा करने वाले बड़े पुरुष कहलाने वाले थे और सब जमाने में रहे हैं, और सामान्य व्यक्ति की भी प्रशंसा करने वाले हैं, ये तो अपमान है। निंदा प्रशंसा में जो फूले पच गए वो कुछ कर सकता है, हमें अपने को देखना है, अपने को संभालो, दूसरे के कटुवचन सह लो और अपना कटुवचन न कहो। बिगड़ने वाली वस्तुओं के लिए पहले से सावधान रहो कि बिगड़ने वाली है, बिगड़ के रहेगी। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। साहब कहते सूरज उगता है तो फिर डूबता है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो फूलता है फूल वो कुमला जाता है, जो चुने सो ढही परे
मकान चुना जाता है, एक दिन गिर जाता है, जन्मे सो मर जाए। ये परिवर्तनशीलता सबके सामने है, लेकिन ध्यान दे, चित्त में रखे, तब वो दुख से रहित रहेगा। कौन नहीं जानता है कि मेरे शरीर की मृत्यु है, लेकिन इसका चिंतन नहीं है, केवल सहज ज्ञान है। और साल साल बीत जाता है, 10 मिनट के लिए कौन सोचता है कि मेरा शरीर नहीं रहेगा। दो दो साल, चार चार साल, दस दस साल बीत जाते हैं। जब कोई मर जाता है तब चोट लगती है कि दुनिया झूठी है, क्षण मात्र के लिए, फिर वैसे मोह माया। जब रोज बैठे और सोचे शरीर नहीं रहने वाला है, तो उसके चित्त की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी, सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। अध्यात्म एक मानसिक अभ्यास है, आध्यात्मिक साधना, जो पदार्थों को प्राप्त करने की साधना है, वो शारीरिक मेहनत है। जब आप शारीरिक मेहनत करोगे तब अन्न पैदा होगा। मोक्ष शारीरिक मेहनत से नहीं पैदा होगा, शांति शारीरिक मेहनत से नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी मानसिक मेहनत से। मन को मांझो, मन को संवारो, सुधारो, निर्मल करो। सुबह आप उठते हैं तो अंदर से टट्टी पेशाब निकाल देते हैं, ऊपर से कुल्ला मंजन, स्नान, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर धोना, सफाई करना, जितना संभव होता है वस्तुओं को, शरीर को साफ किया जाता है। मन को साफ करने वाले कितने हैं? सुबह उठें तो जब तक जागें दिन भर कितनी बार वे मन को साफ करते हैं, मन को गंदा करते हैं। नींद खुली तुरंत मन गंदा, काम भावना जगी, क्रोध जगा, लोभ जगा, मोह जगा, ईर्ष्या जगी, चिंता जगी, मानसिक विकार कुछ उदय हुआ और उसी में दिन बीत रहा है, तो ये सब का परिणाम क्या होगा? दुख के सिवा हरदम भय 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 भय। जो छूटने वाली वस्तुएं हैं, रहने वाली नहीं है, उन्हीं में हरदम मन डूबा है, तो दुख और भय के सिवा और क्या होगा? छूटने वाली वस्तुओं से जब चित्त अलग होने लगे, उसका अभाव चित्त में चित्त से कर दे, तब उसे आत्म शांति मिलती है। सुख से रहने का तरीका है मन को मांझना। हीरा खदान से निकलता है, अगर उसका 10,000 दाम है तो तराशने पर 1,00,000 हो जाता है, जबकि वजन में घट जाता है, क्योंकि तराशते हैं तो तराशने से वो कटता है। हीरा लोहे से नहीं कटता है, हीरा हीरे से कटता है। दो हीरे लगा देते हैं मशीन में, दोनों आपस में टकराते हैं तो कटते हैं, और उसकी जो धूल होती है उस धूल को एक गोंद में लपेट करके मशीन में लगा देते हैं तो उससे भी कटती है। हीरी हीरा बेदा, ईसाब ने कहा है, हीरकणी हीरे को बेदती है। तो वजन में घट जाता है लेकिन सुंदर सुव्यवस्थित हो जाता है। हीरे में 56 पहल लोग बनाते हैं तो 10,00,000, 10 गुना दाम बढ़ जाता है। 1,00,000 का अगर हीरा है तो 10,00,000 का हो जाता है, 10,000 का है तो 1,00,000 हो जाता है। हमारा जीवन तो सुव्यवस्थित शुरू से ही है, इसको संभाल के रखो बस, लेकिन इसको तो बिगाड़ते हो। मुंह में तमाकू भर लिए, बीड़ी भर लिए, सिगरेट भर लिए, गाली देने लगे, कटु कहने लगे, दुख देने लगे, दूसरों चीज छीनने लगे, बेईमानी बदमाशी करने लगे, मर्यादा विहीन काम करने लगे, उन्माद उद्दंडता। कितने घरों में हैं, 10 लोग हैं, कोई मटर गश्ती करता है, घर घर घूमता है, समझाते हैं लेकिन नहीं मानता है, वो अपने को बिगाड़ता है, दूसरे को दुख देता है। दुर्व्यसन का सेवन करता है, अपना नुकसान करता है, फिर आगे अपने बाल बच्चों के लिए वो गलत रास्ता दिखाएगा। ऐसे उन्मादी आदमी दुख देते हैं सबको और फिर अंत में वो दुखी होते हैं। ऐसे कहीं भी हो, साधु मार्ग में कोई आ जाए, अगर उन्माद से रहे, अमर्यादित रहे, मर्यादम बध के न रहे, शील संयम में न रहे, त्याग वैराग आहार विहार सब में संतुलन, सात्विकता सदाचार जैसे चाहे वैसे न रहे, तो
तो धीरे 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 वो साधु मार्ग से हट जाता है, गिर जाता है। घर में रहने वाले की भी दशा होती है। घर में तो ये है कि भाई उसका हक है, चाहे जैसे रहे उसका हक है। साधु में बात नहीं है, साधु में कोई गलत किया तुरंत तो खारिज, गृहस्थी में है तो तुरंत खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना हिस्सा लेके अलग रहे। फिर लोग जब उब जाते तो कहते बांट देती, लो भाई आप तुम रहो अपना अलग, तुम्हारे साथ गुजर नहीं। गलत करने वाला अपने को दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है, उसका दुख बढ़ता है। कमाई जीवन के लिए करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, मेहनत में जो मिले उसको सब कुछ समझना चाहिए, बहुत समझना चाहिए, तभी सुख होगा। दूसरे की तुलना में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे के मकान जैसा मकान, दूसरे की गाड़ी जैसी गाड़ी, दूसरे के लड़के बच्चे जैसे लड़के बच्चे, दूसरे की पत्नी और पति जैसे मेरे हों, ये कब होगा। सबका अपने अपने जैसा होता है, अपने हैं वो बहुत है। एक लड़की जब ससुराल गई पहली बार और लौट के आई तो उसकी छोटी बहन ने पूछा, जीजी जीजा कैसे हैं? तो उसने कहा, चुप पगली, वो तो अपने हैं। जब लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तब उसमें तमाम नखरेबाजी रहती है, ये कम है वो कम है, आंखें छोटी हैं, नाक बैठी है, जरा सांवला ज़्यादा है, और तमाम नुक्स निकाला जाता है। लेकिन जब विवाह हो गया तब तो अपना है, अपने की निंदा की जाती है। एक लड़की अपने भाई को लेकर के जा रहे थे, वो कांध में लिए तो भाई रहा मोटा और लड़की रहे पतली और लचकी जाए बेचारी। तो किसी ने कहा, इतने मोटे बच्चे को लेके तू जा रही है? तो उसने कहा, हाँ हमारा भैया है, हमारा भैया चाहे जितना मोटा हो प्यार है उससे, अपने से प्यार होता है। नुक्ताचीनी आलोचना तब की जाती जब पराया माना जाता है। ये अपनत्व का बोध है, ये शुद्ध बोध है, अशुद्ध नहीं है। अपनत्व की आवश्यकता होती है, बस वही अपनापन ज्यादा मान लिया जाता है वहीं तकलीफ होती है। अपना घर मान करके उसकी व्यवस्था होती है और सबको अपने अपने घर की व्यवस्था करनी होती है, दूसरे घर की व्यवस्था कोई नहीं करता है। हाँ करुणा दया से दुखी आदमी का सहयोग सज्जन करते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था सब अपने अपने घर की करते हैं, अपने परिवार की करते हैं। महात्मा लोग भी अपने मठ आश्रम की करते हैं, तो अपना मानना पड़ता है। लेकिन अपना हम जोर से मानते हैं यही तकलीफ है, हल्का हल्का मानना चाहिए। अपना है नहीं, अपना है और अपना नहीं। साहेब की एक साखी बहुत प्रसिद्ध है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा ना ही के बीच में साहेब राज समाए। शरीर परिवार धन दौलत अगर हम कहें कि है तो साहेब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादे भी कहते थे है और उनको कुछ नहीं रहा तो हमारा कहाँ रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक है तब तक नहीं कहते नहीं बनता। खाना पीना चाहिए, व्यवहार चाहिए, तो नहीं कहते कैसे बनेगा। अभी देखो शाम दोपहर को हम लोग खाए हैं लेकिन शाम को फिर खाना चाहिए। अगर आपकी घर वाली कहे कि देखो साहब तो कहते थे है नहीं तो भोजन नहीं बना है तो परेशान हो जाएंगे। हमारे साधु भी ऐसे कहें कि साहब आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना है तो परेशानी होगी। इसलिए साहब कहते नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनता है। हाँ ना ही के बीच में साहब रहा समाए, विवेकवान हाँ ना ही के बीच में रहता है, भी और नहीं भी है, थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। ध्यान दीजिए इस पर, मेरा शरीर है थोड़े समय के लिए, ये तो पता नहीं कब तक रहेगा लेकिन इतना पक्का है कि थोड़े दिन रहेगा बस, और जब मिट जाएगा तो अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। तो कण बराबर है पर्वत बराबर नहीं है, जो कण बराबर है उसको हम पर्वत बराबर मानते हैं कि है और रहेगा। इसलिए साहब ने व्यंग किया, है हो रही पूजी गई बिलाए। लोग कहते हैं हमारे क्या नहीं है, धन है, पुत्र है, पत्नी है, राजकाज है, सब हमारे है,
साहब कहते है करते हो, पूजी गई बिला है, तुम्हारी आत्म पूजी मिट गई। अरे जिसको तुम है कहते हो नहीं रहेगा, तो है थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। हमारे पिता का शरीर था कुछ दिन के लिए, अब अनंत काल के लिए उनका शरीर नहीं है, ऐसे हम लोगों का है। इसलिए बीच में जो रास्ता है उसको समझो, दृष्टा बन करके रहो, विवेकवान बन करके रहो, हाँ नहीं के बीच में रहो। जैसे धाय रहती है, धाय कोई ज्ञानी नहीं है, धाय नौकरानी, बच्चों को पालने वाली नौकरानी को धाय कहते हैं। धनी लोगों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो नौकरानी आती है सेवा के लिए। पहले तो जमींदारों और रजवाड़ों यहाँ होता था, अब आजकल तो लड़कियाँ कुछ सर्विस करती हैं तो ज़्यादा पैसे वाली होती, तनख्वाह ज़्यादा होती है, पति भी इसे है, तो बीच में धाय आती है वही सेवा करती है। पैसे वाले प्रायः अपने बच्चों की सेवा नौकरानियों से करवाते हैं, नौकरानियाँ बच्चे की सेवा करती हैं, खिलाती हैं, प्यार देती हैं, पुचकारती हैं, उपटन करती हैं, सब करती हैं। लेकिन जब नौकरी छोड़ करके जाने लगती हैं तो दुखी नहीं होती, जानती ही मेरा नहीं। ऐसा विवेक लेकर के रहना होगा संसार में, फिर दुख नहीं होगा। लेकिन जब हर समय ये समझें कि मेरा नहीं है, व्यवहार के लिए मेरा है लेकिन सच नहीं है, व्यवहारिक सच है, पारमार्थिक सच नहीं है। व्यवहारिक सच जो कुछ समय के लिए हो, पारमार्थिक सच जो अनंत काल के लिए हो। तो अनंत काल के लिए शरीर सच कहाँ है? 100 वर्ष के अंदर में प्राय मर जाते हैं लोग, कुछ कुछ 100 वर्ष के ऊपर जाते हैं। वेद के ऋषियों ने यही बारंबार कहा, हम 100 वर्ष जिए, कहीं कहा सरदा सतात 100 वर्ष से ऊपर जिए। 100 वर्ष से ऊपर आज भी लोग जी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन कई 100 वर्ष, हजार लाख करोड़ अरब वर्ष कोई नहीं जीता है। ये पुराण के लेखक घाघ हुए हैं, ये इस प्रकार उल्टा पलटा लिखे हैं। राजा परिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य की श्रीमद् भागवत में लिखा है, 11 अरब वर्ष। 2500 वर्ष का इतिहास नहीं मिलता, 1000 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता। और 11 अरब वर्ष वे राजे करते रह गए, उनके रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया। ये समुद्र जितने हैं राजा प्रवृत्त के रथ के पहिए के रावण हैं, तो रथ वो कितना बड़ा रहा होगा, और कौन घोड़ा उसको खींचता रहा होगा, और कौन बढ़ई बनाया होगा, बस गपबाजी, एक दूसरे के देख देख करके गपबाजी करते जाते, लंबी चौड़ी हाँकते जाते हैं। अद्भुत रस उत्पन्न कविता में आनंद आ जाता है, हनुमान जी सूरज निकल गए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, 13 लाख गुना बड़ा, और दहकता आग का पिंड है, वो कठोर नहीं है, लौ की तरह है। हनुमान जी कैसे निकल जाएंगे? सूरज को हनुमान जी निकल गए और बाली को कुछ नहीं कर पा रहे थे, सुग्रीव के साथ हनुमान जी भी बेचारे पर्वत में छिपे बैठे थे। ये तो राम से जब मित्रता हुई सुग्रीव से, तो राम जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाली के सामने जाएं, तो छिप के मारे। इसलिए पंडितों ने श्री राम को क्षमा नहीं किया, पंडितों ने लिखा कि श्री राम ही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से मारे गए, क्योंकि उन्होंने बाली को छिप के मारा था, उसका फल पाए। पंडित लोग हर जगह पक्षपाती नहीं हैं, कई जगह निष्पक्ष हैं। ब्रह्मा को, विष्णु को, राम को, कृष्ण को, सबको कर्म सिद्धांत की कैटेगरी में पंडितों ने खड़ा कर दिया है कि अपने अपने कर्मों का फल भोग पाए। श्री कृष्ण महाराज ने शिष्यपाल की भुजा उखाड़ ली, फूफेजात भाई था, शिष्य था, तो उसके 2 अतिरिक्त हाथ थी तो उसको उखाड़ लिया। वैसे लिखा है कि उनके गोद में गया तो हाथ गिर गया। तो फिर जगन्नाथ में भगवान लूले होके बैठे हैं, शिष्यपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा, साहब ने भी कहा। जब शिष्यपाल की भुजा उखाड़ ली तो हरि अपने आप ठूठे बन के बैठ गए जगन्नाथ में। एक वैष्णव मित्र यहाँ में गया तो उनके यहाँ जगन्नाथ की मूर्ति थी, तो लूली ऐसे बैठी थी,
तो पुजारी ने कहा महाराज ये मूर्ति देख करके मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे। वो सब हंसने लग गए, वो भी हंसे। तो पंडित हर जगह पक्षपाती नहीं है। पंडितों ने राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, सब को कर्म की बात जहाँ आई तहाँ कर्म फल भोग बताया। कर्मों का फल भोग सबको होता है, इसलिए कर्म सुधार की आवश्यकता है। अतिशयोक्तियाँ पुराणों में, महाकाव्यों में अतिशयोक्तियाँ बहुत हैं और उसमें लोग भटकते हैं। सूरज महाराज राम का जब जन्म हुआ अयोध्या में, तो सूरज ऊपर जब आया तो जन्मोत्सव चल रहा था, तो सूरज रुक गया देखने लगा, तो देखते देखते महीना भर देखते रह गया। अब दिन रात हो ही नहीं, महीना भर का दिन हो गया। गोस्वामी जी ने कहा मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। अब लुभा गया सूरज, राम जन्मोत्सव देखने लगा अयोध्या के ऊपर खड़ा खड़ा, महीना भर बीत गया तो रात कैसे हो। मर्म न जाने कोई, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जाना, इसीलिए वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, क्योंकि मर्म नहीं जाने। गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में मर्म जान गए, पता नहीं कोई लिखो के धर दिया होगा तो पा गए होंगे। तो ये सब क्या है, एक चमत्कारी कथन, कथन में रोचकता लाना और अपने इष्ट को बढ़ाई देना। कबीर साहब को राजा ने जेल में भेज दिया, तो जेल में साधु को, बहुत साधु थे बेचारे, जाँता पीस रहे थे। तो कबीर साहब ने अपनी लकटी एक जाँता पर रखी तो सब जाँते चलने लग गए, तो साधु छुट्टी पा गए। ऐसा कहीं होता है साहब लकटी रख दें, लकड़ी रख दें तो सब जाँते नहीं चलेंगे, चलाने से चलेंगे या तो फिर भाई बिजली बिजली लगाई। कबीर साहब काशी में बैठे थे एक चौकी पर, इतने में गोरखनाथ जी आ गए सिंह पर बैठे। तो उनको गर्व था कि हम सिंह पर चलेंगे तो कबीर वैसे हार जाएंगे। तो कबीर चौकी से कहे चल चौकी, गोरखनाथ जी आ रहे हैं तो अगवानी कर। तो चौकी चलने लगी, गोरखनाथ जी थर्रा गए, जिसके कहने से लकड़ी की चौकी चलती मैं उससे क्या बात करूँगा। तो कबीर साहब ने कहा नहीं गोरखनाथ जी बात हो जाए। तो गोरखनाथ जी एक त्रिशूल लाए थे 40 हाथ ऊंचा, गाड़ दिए और नोक पर जाकर के बैठ गए त्रिशूल के। तो कबीर साहब एक 80 हाथ ऊंचा सूत फेंके और गए वहां सूत के नोक पर बैठ गए, दुगना 80 हाथ पर, और कहे गोरखनाथ यहाँ आओ चर्चा होगी। गोरख हार गए। ये कितना बढ़िया लगता है, यहाँ गोरख को हराना है और कबीर को जिताना है। लेकिन गोरखनाथ के 300 वर्ष 400 वर्ष बाद कबीर साहब हुए हैं, तो इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात, सिंह पर तो कोई बैठ के आ सकता है, सर्कस वाले भी सिंह पर बैठते हैं, अभ्यास किए रहते हैं, लेकिन किसी के कहने से लकड़ी की चौकी नहीं चलेगी, वो बेजान है। त्रिशूल पर बैठना भी असंभव है, लेकिन सूत के नोक पर बैठना तो बिल्कुल असंभव है। तो ये बात ऐसी है, आप अपने गुरु की बड़ाई करते हो तो हम अपने गुरु की बड़ाई करेंगे, आप 10 झूठ बोलोगे तो हम 20 झूठ बोलेंगे। ये झूठाई धर्म वाले खूब चलाते रहते हैं। एक ने कहा मेरे आंगन में एक सरसों का पेड़ है, जब पूर्वा बहती है तो पश्चिम तरफ 100 मन सरसों झड़ जाता है, और जब पश्चिमी हवा चलती है तो पूर्व तरफ 100 मन झड़ जाता है। तो दूसरे ने कहा भाई होगा, हमारे आंगन में एक मिर्चा का पेड़ है, तो उसमें एक मिर्चा फला, तो उसको मैंने एक नदी के पाट पर रख दिया है, वो नदी का पाट 2 किलोमीटर लंबा है और उस पर मैंने मिर्चा रख दिया है, उसी पर पब्लिक घोड़ा गाड़ी ट्रक सब चलती है वो पर। एक ने कहा मेरे एक कमरा है, जब प्रलय होता है संसार का तो सब जानवर के जोड़े उसमें रख लिए जाते हैं एक एक, और जब सृष्टि करना होता उसी कमरे से निकाल के कर देते हैं। कहाँ होगा भाई, हमारे पास एक बांस है, जब पानी बरसाने की जरूरत होती है तो उसी से बादल को खोद देते हैं। तो कहे वो बांस कहाँ है, कहे ये आपके कमरे में रखा है। तो ये
धर्म वाले झूठ बहुत बोलते हैं, और झूठ बोल करके वह अध्यात्म को धर्म को चौपट करते हैं। तथ्य यह है कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं होता है, तर्कयुक्त बातें ही सही हैं, जो विश्व के नियमों में है वही सही है। 100 वर्ष 100 से ऊपर नीचे कुछ लोगों में सब मर जाते हैं, 100 से ऊपर नीचे में लोग मर जाते हैं, कई 100 वर्ष 1000 लाख वर्ष कोई नहीं जीता है। और जो असंभव बातें जितनी चमत्कार की बातें सब झूठ हैं, और धर्म वाले इसको छाती पेटे लगाए रखने चाहते हैं। कबीर साहब ने इसका खंडन किया है, धर्म में चमत्कार नुकसान करता है, जैसे व्यवहार में भोगवाद नुकसान करता है। जैसे आप भोजन करें तो भोजन करना जरूरी है, लेकिन लालच करेंगे ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, और बराबर ज़्यादा खाते रहेंगे तो नए नए रोग पैदा होंगे। इसलिए भोजन करें संतुलित, सुपाच्य भोजन, संतुलित भोजन, सादा भोजन, सात्विक भोजन। नमक सदैव कम खाएं, नमक ज़्यादा खाने से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। और नमक ज़्यादा, नमक ही नहीं, कोई ये जीव की लुलुपता, जीव का जो लोलुप है वो मन को नहीं रोक सकता है। जीव और नाभि का दोनों घनिष्ठ संबंध है, इसलिए जीव पर संयम रखो। मिर्च मसाले नमक बहुत जो खाने के आदि होते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। नमक कम खाओ, संतुलित खाओ, और मिर्ची इत्यादि कोई हितकारी चीज नहीं है। कभी थोड़ा जीभ झोंक लिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ना खाओ। और जो सात्विक भोजन करो वो भी हल्का खाओ, तो फिर वो भोग सुखद है, भोजन भी तो भोग है, सुखद है। प्रेम करो सबसे, और मोह में बदलेगा तब दुख होगा। इसी प्रकार श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन श्रद्धा जब अति होगी तो पागलपन बढ़ेगा। अति श्रद्धा, कबीर साहब के प्रति हम अति श्रद्धा करेंगे तो श्री राम को, कृष्ण को, विष्णु को, मोहम्मद को, ईसा को, बुद्ध को, किसी को नहीं समझ पाएंगे। राम में अधिक श्रद्धा करेंगे तो कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण में अधिक श्रद्धा करेंगे तो राम को नहीं समझ पाएंगे। बिना श्रद्धा के जीवन बेकार है, और अति श्रद्धा पागलपन है, हिंसा पैदा करती है। अतिश्रद्धा होगी तो हम हिंसा करेंगे, दूसरे के मूल्य को न समझना हिंसा है। कट्टर कबीरपंथी कहेगा कि कबीर साहब सुप्रीम पावर है, परमात्मा, और उनको जो परमात्मा नहीं मानता है उसको काल निरंजन ने भटका दिया है। जो कट्टर राम उपासक है वो कहेगा श्री राम आनंद ब्रह्मांड नायक है, उनके रोए रोए में आनंद ब्रह्मांड लटके हैं। उनको जो ऐसा नहीं मानता है वो बिना सिंह पूंछ का पशु है। तो ये हिंसा हुई, अब बात ऐसी नहीं है। राम भी मनुष्य थे, कबीर भी मनुष्य थे, सब मनुष्य हैं, ये सब महान हैं। तो अति श्रद्धा करके हम हिंसकी हो गए हैं, और दूसरे को समझते ही नहीं हैं। राम वाले कृष्ण वाले को नहीं समझते, कृष्ण वाले राम को नहीं, राम वाले को नहीं समझते हैं। शैव लोग इन दोनों को नहीं समझते, ये दोनों शैव को नहीं समझते हैं। कबीर पंथ में भिन्न शाखा वाले भिन्न शाखा को नहीं समझना चाहते हैं। रामानंदी लोग रामानुजी से फर्क रखते हैं। ये अति श्रद्धा का पागलपन, श्रद्धा तरल सरल होनी चाहिए सबके लिए। कबीर पंथी कबीर के प्रति श्रद्धा करें, लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद ईसा के लिए भी श्रद्धा की जगह रखें। अपने ग्रंथ में श्रद्धा रखो, पढ़ो, दूसरे की पुस्तकों को भी आदर दो, और शक्ति चले तक पढ़ो, सार लो। अपने पंथ के नियम का पालन करो, दूसरे के पंथ के नियम को आदर दो। समता की बात कबीर साहब ने सब जगह बताई है, को हिंदू को तुरुक कहा एक जिमी पर रही है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ पे आया, को कोने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करता पे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही है। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, सब एक मिट्टी के बर्तन है, नाम अलग अलग है। उदार विशाल विचार बनाओ। कबीर साहब का संदेश सब दिशा में यही है,
जात पात झूठी है, मानव एक है, संप्रदाय सब काल्पनिक है, मनुष्य के बनाए सारी संप्रदाय, कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। किसी संप्रदाय में रहने वाला आस्तिक और किसी में नास्तिक, ऐसा सब झूठ है। जितने महापुरुष हैं सब केवल मनुष्य हैं, अवतारवाद पैगंबरवाद काल्पनिक है। जितनी पुस्तकें सब मनुष्य की रचनाएं हैं, कोई आकाश से पुस्तक नहीं आई है। ये विचार कबीर साहब के हैं और यही वास्तविकता है। ये विचार कबीर के नहीं है, सत्ता के हैं, आपके हैं, यही असलियत है। धर्म के विषय में इस चीज को समझना चाहिए और अपना मन सरल होना चाहिए। भजन का अर्थ है चित्त का परिष्कार, चित्त की शुद्धि। राम राम कहो, रहीम रहीम कहो, जो आप कहते हो कहो। जो कट्टर राम राम कहने वाले वो कृष्ण नहीं कहते, कट्टर कृष्ण उपासक राम राम नहीं कहते। तो ये बाहर का जो उपासना है, बाहर की उपासना एक देसी होती है और अपना जो मानते हो मानो, लेकिन जो सार्वदेशिक उपासना है वो क्या है? चित्त की निर्मलता। आप कौन नाम जपते हो इसका मूल्य नहीं है। क्रोध कितना घटा, काम कितना घटा, मोह कितना घटा, लोभ कितना घटा, ईर्ष्या कितनी घटी, चिंता कितनी घटी, उद्वेग कितना घटा, शांति चित्त में कितनी है, इसका महत्व है। किसी मत में हो, किसी मत में होने से कोई मुक्ति गति नहीं मिलती। मुक्ति गति व्यक्तिगत विषय है। मन निर्मल है स्वर्ग है, मन निर्मोह है मोक्ष है। ये अपने परिश्रम का परिणाम है। यथार्थ सदगुरु की जरूरत है। जो बोधवान रहनी संपन्न हो, ऐसे गुरु संत का आश्रय गृहस्थ और साधु दोनों को जरूरी है। लेकिन मत से मतलब नहीं है। इन बातों पर ध्यान दे। सुख से जीने के तरीके ये सब हैं। सांप्रदायिक बातों में समता, जाति भावना से ऊपर मानवता के प्रति प्रेम, दूसरे के कट वचनों को सह लेना, निर्विकार होकर बैर न बांधना, क्षमा कर देना, स्वयं कट न कहना, बदलने वाली चीजों को पहले ही नजर में रखना कि ये शरीर संसार की चीजें बदलने वाली हैं, सब चारों तरफ रेत रेत। इतने मनुष्य यहां बैठे हैं, नर नारी हजारों, लेकिन 100 वर्ष के बाद ये सब क्या रहेंगे? आत्मा तो अपने कर्म अनुसार जाएगा और सबका शरीर केवल रेत माटी हो जाएगा 100 वर्ष तक में। 100 वर्ष के पहले बहुत हो जाएगा, 100 वर्ष तक तो किसी के नहीं रहेगा जितने लोग बैठे हैं। किसी दिन ये सब मकानात जो खड़े हैं रेत हो जाएंगे। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। जिनकी चाल पहल से जंगल शहर बन गया था, उनके शहर मिट गए और आबादियां बन हो गई। एक दिन कसया जो गोरखपुर से उत्तर है और बौद्धों का नगर रहा है, ह्वेनसांग जब 6वीं शताब्दी में आया है चीन से साधु बौद्ध भिक्षु, तो उसने कहा है कि अमुक दिशा में कुछ लोग रहते हैं, बाकी पूरा नगर सूना है। कालचक्र ऐसा था। श्रावस्ती अयोध्या से उत्तर है, जहाँ महात्मा बुद्ध 26 वर्षा वास किए थे, वर्षा काल में चौमासा रहे हैं, वहाँ पहुँचा है तो वहाँ भी देखता है कि बहुत सूनापन है। आज भी वहाँ की नींव है, सरकार के संरक्षण में है, सारी चीज़ें बदलती हैं। आप तो दिल्ली आगरा कभी जाते ही होंगे, देखते हैं किला खड़ा है, बादशाह कहाँ है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसको नजर में रखें तो शोक मोह नहीं होगा। ये सब ज्ञान भक्ति कर्म में लगने से होगा, स्वाध्याय चिंतन मनन करने से होगा। रोज रोज अकेले में बैठो। स्त्री पुरुष सबको चाहिए जो समझते हो सब अकेले में बैठें और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें और विचार करें कि पहले से हमारे मनोविकार घटे हैं कि नहीं। मनोविकार घटें सद्गुण बढ़ें, उलझन घटे शांति बढ़े,
तब रास्ता वो मिलेगा। अब ऐसा ही करते करते साधक जब काफ़ी परिपक्व हो जाएगा तो जिसको कहते हैं अगाध अमृत, परम शांत, परमानंद, सदैव अमृत धाम में विश्राम, ये मोक्ष अवस्था देह में रहते रहते वो उसका मन सब चीज़ों का अभाव कर देता है अंदर से, इसलिए वो दुनिया की चीज़ों को नहीं जपता है, स्वरूप भाव में रहता है, आत्मभाव में रहता है। तो वो दशा आएगी जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते, उसमें पहुंच करके ही उस आनंद को समझा जा सकता है कि कैसा दुखहीन और निर्भय स्थिति आती है। जब उस दशा में पहुंचे तब होगा अनुभव, लेकिन उसकी वानगी पहले आपको मिल जाएगी। जितना आप अपना मन साफ करेंगे उतने शांति मिलेगी, जितना राग द्वेष छोड़ेंगे, कला छोड़ेंगे, समता से बरतेंगे, लोगों में समबुद्धि रखेंगे उतने शांति आएगी। तो वानगी तो पहले से मिल जाती है, करना चाहिए। अब करे ही कोई ना, सत्संग का आयोजन हुआ, बैठ गए, सुन लिए, चले गए महात्मा, आप अपने रास्ते में लग गए, पुस्तक तक नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी मैंने किसी से पूछा पुस्तकें रखे, हाँ साहब माढ़े है, माढ़े होने से थोड़े काम होगा, उसको पढ़ो रोज, एक तो रखो फिर पढ़ो। मजदूर होते हैं वह महीना भर में साल 150 रुपए तम्बाकू खा लेते हैं, मजदूरी करते हैं वो, आप साल भर में 100-200-400 पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं। पुस्तक रखें और केवल रखें ना, उसको पढ़ाएं और पढ़ करके मनन चिंतन और ध्यान करें और आत्मशोधन करें, देखेंगे जीवन में कितना अंतर आएगा। ये दुनिया का ऐश्वर्य से और माया से कोई शांति पाएगा ऐसा सोचे तो महाभोला है। इसमें तो जितना चित्त दोगे उतना चित्त उलझेगा और पीड़ित होगे। दुनिया का केवल काम करो, ये जपनी नहीं है, करनी है। दुनिया का काम करनी है, करने योग्य है, काम करो। जपनी तो आत्मा है, जपने योग्य पवित्र विचार है, चित्त की शुद्धि है। मैंने आपसे कहा था सुख से कैसे रहें, ये सब सुख से रहने के तरीके हैं। सात्विक खाओ, संतुलित खाओ, थोड़ा कम खाओ खाते समय, दूसरे के कड़ वचन सह लो, अपना कड़ वचन न कहो, संसार की वस्तुओं की नश्वरता को देखो, मनुष्य को मनुष्य समझो, जात पात मान करके ऊंच नीच न समझो। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं, संप्रदाय का अहंकार न करो, अपने गुरु का आदर करो, सभी गुरुओं का आदर करो, सबके साहित्य का आदर करो, सभी संप्रदाय का आदर करो, अपने संप्रदाय के नियमों से चलो और दूसरे के संप्रदाय के नियमों को आदर दो। ये सब सुख से रहने का तरीका है और इसी का परिणाम होगा जब साधक और ऊपर चढ़ जाएगा, आत्मबोध आत्मस्थित में हो जाएगा, तब जो हमारी कल्पना है, जिसको हम संतों से सुनते हैं, ऋषियों मुनियों से सुनते आए हैं, परमानंद। मैं बचपन में पुराण पढ़ता था तो उसमें जगह जगह लिखा मिले, वो भगवान के धाम चले गए, परम पद में पहुंच गए। तो मैं समझूं परम पद कोई होगा, वहाँ सोने का मकान होगा, वहाँ बहुत मखमली गद्दे होंगे और देवता लोग रहते होंगे, बाल बुद्धि से वही सब समझा था, वैसे पुराण लिखा भी है। ये तो जब कबीर साहब की वाणी पढ़ा, फिर आगे चल करके श्रुतियों स्मृतियों को भी पढ़ा, तब पता लगा कि परम पद, परम धाम, ब्रह्म धाम, ये आत्म धाम है। अपना मन निर्विकार हो गया, दुनिया से लौट आया, आत्मलीन हो गया, परम पद में पहुंच गए, अगाध अमृत, परमानंद, परम सुख। फिर कोई भय नहीं रहता है, शरीर चल रहा है कहीं टूट के गिर जाए, शरीर में हूँ ही नहीं, मिट्टी ढेला है, इसमें क्या धरा है, मैं तो अमर हूँ, नित्य हूँ, कल्याणमय हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मेरे में दुख ही नहीं है। ये केवल कहने से कहना नहीं रहता है, इस बोध में वो जीता है, इससे अलग हो ही नहीं सकता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। इस स्थिति को भी सबको प्राप्त करना है, लेकिन इसके पहले तो ऊबड़ खाबड़ बराबर करो, बीड़ी छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो, गुड़ाकू छोड़ो, गुटखा छोड़ो, गाली देना छोड़ो, कट बोलना छोड़ो,
दुर्व्यवहार करना छोड़ो, मीठा वचन बोलना शुरू करो, ये सब पहले उबड़ खाबड़ ठीक करो, तब तो आगे काम होगा। सुख से कैसे रहें इसके विषय में थोड़ा निवेदन किया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।